शाम गाड़ी चलाना भूल गए हो क्या? मुझे सेट पे पहुंचना है, I'm getting late. जी मैडम. क्या बात है, बार बार फोन करने का क्या मतलब बनता है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें फोन क्यों कर रहा हूँ? अब तो हद हो गई, मेरे का बहुत झटपट सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं. मेरा टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो रहे हैं और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है. ओह, आई एम सो सॉरी. एक काम कीजिए, अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो कोई दूसरी हीरोइन हायर कर लो अपनी फिल्म के लिए. लिसन यू इडियट, मैं मेन का डू यू गेट दैट? आज की सुपरस्टार. मैंने फिल्म छोड़ दी तो तुम भी जानते हो तुम्हारा क्या हश्र होगा. इसीलिए औकात में रहो और मुझसे तमीज से बात क्या करो. आई बात समझ में? ठीक है, I'm sorry, मैं कहा, तुम कितनी देर में आ रही है तो बताओ. हाँ मैं पास ही में हूँ, थोड़ी देर में पहुँच रही हूँ. ज्यादा बड़बड़ करोगे ना तो यहीं से यू टर्न मार के वापस चली जाऊंगी. डू यू गेट दैट? नाउ स्टॉप कॉलिंग मी. ऑलराइट. ये इतने अंधेरे में सड़क के बीचों बीच कौन खड़ा है? एक तो पहले ही इतनी जल्दी है और ये क्या बात है शाम, इतनी सुनसान सड़क पे किसके लिए हॉर्न बजा रहे हो तुम? वो मैडम कोई भी सड़क पे है. हटाओ उस पागल औरत को, सड़क उसके बाप की नहीं है. डू यू गेट दैट? जी जी जी. ए दिखाई नहीं देता क्या? अरे हटना, हट. कहाँ गई शाम? मुझे क्या पता मैम. तुम वापस चलो जल्दी. चलो वापस. हो गई यार, सुबह 7 बजे के शिफ्ट से 12 बज गए और हमारे हीरोइन का कोई अता पता ही नहीं है. दिस इज जस्ट टू मच. सोनाली, मेंका एक स्टार है, हमें अच्छा लगे ना लगे लेकिन हम छोटे आर्टिस्ट को उसके नखरे झेलने पड़ेंगे. कम ऑन यार, इनफ इज इनफ. बहुत हो गया इसका नाटक. रोज रोज सेट पर लेट आती है, उसके बाद सबको एटीट्यूड दिखाती है. मैंने बोल दिया प्रोड्यूसर से दैट आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस एनीमोर. आपकी स्टार हीरोइन है, आप ही समझाइए. सर,
सर मेनका मैम आ गए, आ गए सर मैम। मैम विपुल सर आप प्लीज वहां बैठ जाइए, इधर मेनका मैम बैठती हैं। ये क्या बात हुई, हम क्यों उठे? प्लीज सर सोनाली अगर मेनका से पंगा लोगी ना फिल्म से बाहर निकलवा देगी। चलो गुड इवनिंग मैम। क्या बात है, आज कुछ चीखना चिल्लाना नहीं हुआ, कमाल है। मैम जूस जाओ, नहीं चाहिए। टूटी फूटी कहां से आ रही है यार, इसको क्या हो गया? आज शेरनी घायल है। हाँ चुप चुप। धीरज हाँ आप शॉट रेडी कीजिए। हाँ जी ठीक है। मेनका जी आपके नेक पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं हल्का सा स्प्रेन है, आई एम फाइन। ओके चलिए रेडी कीजिए। आज तेवर बदले हुए हैं मैडम के। सही कह रही हो। मेकअप दादा ये सब कवर अप कीजिए। ठीक है मैम। मेनका जी अभी जो हम शॉट करने वाले हैं इसमें आपको सिर्फ फेस टर्न करके लेंस की तरफ देखना है, ओके? सिर्फ नेक टर्न करके, ओके? दिस वे। रिहर्सल करें, चलिए रेडी वन रिहर्सल। मेनका जी आपका वो नेक कॉलर उसे निकालना पड़ेगा। हाँ सॉरी ड्रेस दादा। ओके रेडी चलिए एंड एक्शन कट। मेनका जी मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ फेस टर्न करना है, बॉडी नहीं। ओके चलिए वन मोर रोल साउंड कैमरा एंड एक्शन कट 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 कट। मैंने आपसे कहा कि सिर्फ फेस टर्न करना है, आप बॉडी क्यों टर्न कर रही हैं? हाँ मेरी गर्दन टर्न नहीं हो रही है, I'm sorry। टर्न नहीं हो रही है का क्या मतलब है? ये शूटिंग हो रही है, जो सीन की रिक्वायरमेंट है वो करना पड़ेगा। आप अपने घर में नहीं हो, जब दिल में आया आए, जब दिल में आए चले गए। यू बेटर डू इट। एक्सक्यूज मी, हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ इस तरह से बात करने की? पैकअप करवा दू। सॉरी मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। लेट्स डू वन मोर। चलिए रेडी एवरीवन रोल साउंड कैमरा एंड एक्शन। चाहे कुछ भी हो जाए वरुण, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। You are just mine. Correct. Okay. हो गया ना शॉट? Yeah. दादा, come on. मैम क्या हुआ मैम? आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? और श्याम कहाँ है मैम? वो नहीं आया? शाम हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल क्या हुआ उसे मैम? गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। हेलो हेलो मैं
सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपके ड्राइवर शाम की मौत हो चुकी है। क्या क्या हुआ शांति? मैम शाम की मौत हो गई। कमाल है। मैम किसने दिया ये और नीचे कौन आया था? पता नहीं मैम, जब दरवाजा खोला तो कोई भी नहीं था। ये एनवलप छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। तुम जाओ। हेलो सिक्योरिटी। हाँ बोलिए। कौन आया था अभी मेरे दरवाजे पर? कोई तो नहीं मैम। कैसी ड्यूटी कर रहे हैं आप लोग? जो भी आया था पागलों की तरह दरवाजा खटखटा रहा था और दरवाजा खोलने पर भाग गया। पर मैडम आपके घर तो कोई नहीं आया, मैं यहीं गेट पर बैठा हूँ। ना कोई आया और ना कोई गया। अगर आप चाहें तो आप सीसीटीवी फुटेज भी देख सकती हैं। कोई नहीं आया मैडम। क्यों नहीं, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ उसी जगह जहाँ हम मिलने वाले थे। वहाँ जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आ जाओ मेनका, प्लीज जल्दी आ जाओ। तुम्हारी प्यारी दोस्त। ऐसा कैसे हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हे मैनिका, हाउ आर यू? कुछ ठीक नहीं निकल, वो वापस आ गई है। She's back. कौन? रिया। ये कैसे हो सकता है मैनिका? वो तो 3 गज जमीन के नीचे है। Trust me, निखिल। I'm sure. तुम प्लीज जल्दी से वापस आ जा। Please just come over here. I'm freaking out. मैं डर गई हूँ यहाँ पे। प्लीज तुम यहाँ पे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है रो मत, मैं आता हूँ, तुम्हारे घर पे ही आता हूँ। ये तो उसी की हैंडराइटिंग है। सी आई टोल्ड यू, मैंने कहा था तुमसे। ये तुम्हारी नेक को क्या हुआ? ये कॉलर क्यों लगाया तुमने? वो मैं शूटिंग पे जा रही थी और रास्ते में मुझे एक औरत दिखी। वो मैडम कोई भी सड़क पे है। निखिल, I'm really scared. शाम मर चुका है। I'm really scared. Calm down. ये सब कुछ सुनने से तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मजाक किया हो। No way. कोई मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों करेगा? क्योंकि तुम स्टार हो, तुम्हारे स्टारडम और फेम से चलते हैं लोग। आई एम श्योर कि उनमें से किसी की हरकत हो एंड आई कैन प्रूव इट। हाँ अच्छा, कैसे? कम विद मी, चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। डोंट वरी मैनिका, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कम प्लीज। मैं
मैं कह रही हूँ निखिल, रहने देते, वापस चलते, प्लीज लेट्स गो बैक। नहीं मैनिका, आज मैं तुम्हें दिखा कर ही रहूंगा, आओ। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। जब यहां तक आ ही गए हैं तो गार्डन एरिया में चलते हैं। एंड डोंट वरी मैनिका, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। कम काम बाबा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, चलो चलो। यही है ना वो जगह? हेलो, कोई है यहां? आर यू हियर? कुछ तो बोलो, तुम हो ना यहाँ? तीन गज नीचे। मैं यहाँ हूँ, हाँ मैं यहाँ हूँ। मैनिका, मैनिका संभालो अपने आप को, कुछ नहीं हुआ, कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ। मैनिका क्या हुआ? रुको मैनिका, 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 काम डाउन मैनिका, कुछ नहीं होगा। तुम कार में वेट करो, मैं देख कर आता हूँ कि कौन गंदा मजाक कर रहा है हमारे साथ। कुछ नहीं होगा, काम डाउन, बस तुम कार में बैठो और अंदर से सभी खिड़कियों दरवाजे बंद कर लेना, बाहर मत निकलना, बस कम। मैं अभी आता हूँ। कौन है यहाँ? कौन है जो गंदा मजाक कर रहा है हमारे साथ? कौन है? बाहर आओ। किसने भेजा वो लेटर? मैंने भेजा। कौन है यहाँ? हेलो सर। हेलो मैडम, कहाँ? ऊपर अपने रूम में। बोलो मेनका, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जतिन, जतिन प्लीज सेव मी। ये क्या नाटक है तुम्हारा? पहले तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए, और अब जब डिवोर्स की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, ये सब क्या कर रही हो? क्या चाहती हो मुझसे? साफ साफ बता दो। प्लीज मेरी बात तो सुनो। अरे मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? तुम्हारा वो सो कॉल्ड निखिल है ना, तुम्हारी बात सुनने के लिए, तुम्हारा लव इंटरेस्ट, उसे बुलाओ ना, वो सुनेगा। निखिल इज डेड। व्हाट? हाँ, मुझे एक बड़ा अजीब सा लेटर आया था। निखिल को लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो मुझे उस पुराने बंगले पे लेके गया था। ये मैम, एक और लेटर। तुम कहाँ चली गई? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है, तुम मुझे वहां अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अब जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वहां बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा निखिल। इनफ ऑफ ऑल दिस मेनका, और कितना झूठ बोलोगी तुम मुझसे? तुमने अभी मुझसे कहा था कि निखिल मर चुका, और ये निखिल की हैंडराइटिंग में तुम्हारे लिए प्रेम पत्र आया है। तुम झूठ बोलती थकती नहीं हो क्या? जतिन प्लीज,
प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा सब सच है। चलो मान लिया कि तुम सच कह रही, निखिल मर चुका है, तो फिर ये किसने भेजा? वो भी निखिल की हैंडराइटिंग में। Come on यार, मैं इनका कितना झूठ बोलोगी? एंड मोर ओवर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? तुम मेरे साथ रहती नहीं हो, मेरे साथ रहना नहीं चाहती, और मेरे साथ रहोगी भी नहीं। तुमने मुझे फोन किया, मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। ये मेरी बेवकूफी थी। ये लो अपना प्रेम पत्र और रात भर बैठ के इसको पढ़ते रहना, ओके? मैं जा रहा हूँ। जतिन, जतिन प्लीज 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 मत, आज नहीं कल नहीं, हमेशा के लिए। आई एम सॉरी मैंने तुमसे डिवोर्स की बात की, पर अब मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहते। वाओ, हाउ कन्वीनियंट। आज मुझे डिवोर्स चाहिए, कल मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, आज तुम्हारे साथ रहूंगी, कल तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कितनी आसानी से तुम अपने डिसीजन चेंज करती हो। मैं तुम्हारे इतना नहीं हूं मेनका, मैं इतनी जल्दी अपने डिसीजन चेंज नहीं कर सकता। आई नीड टाइम, यू नो व्हाट, आई नीड टू गो नाउ, गुड बाय। निखिल का फोन नहीं हो सकता, निखिल मर चुका है, निखिल मर चुका है, निखिल मर चुका है। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? What do I do? What do I do? शांति, शांति, शांति दरवाजा खोलो, शांति! ठीक है ना? उठे मैम, उठे उठे, आप ठीक तो हैं? आप इतना चीख क्यों रही थी? नहीं, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। मैम, मैम मेरी बात तो सुन, तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। Hi Menka, all is well? Fine, thanks. ये सोनाली मुझे ऐसे घूर क्यों रही है? Menka, पहले एक रिहर्सल करते हैं। If you're fine with it. Yeah, okay. सीन ऐसा है कि आपके कैरेक्टर ने सोनाली के कैरेक्टर पर चाकू से वार करना है और सोनाली खुद को बचाएगी। एक रिहर्सल करें? या चलिए, एक्शन। तेरा खेल खत्म।
क्या हुआ मेनका? Are you okay? वो मैम, are you all right? पता नहीं आज क्या नाटक पकड़ा इस मेनका ने। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। All ready? Lights off. Roll sound. Camera. And action. गार्ड दूंगी तुझे मैं। तेरा वक्त अभी पूरा हुआ। What the hell is this? What the hell is this? What the hell is this, Dheeraj? पागल हो गई है क्या? क्या बोले जा रही है? सोनाली तो सिर्फ अपनी लाइन बोल रही है मेनका। What happened? I need a break. Spot. तू भी नहीं बचेगी अब। सोनाली, शांति, तुम्हारी मैडम की तबीयत तो ठीक है? फोन क्यों किया तुमने मुझे? नहीं सर, मैम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने आपको कॉल करके बुलाया। उनको कुछ हुआ है? क्या बकवास कर रही हो तुम? कहाँ है तुम्हारी मैडम? अपने रूम में। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज सेव मी, सेव मी प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो यार? वो मार डालेगी मुझे, वो मार डालेगी मुझे। एक मिनट, कौन मार डालेगी, क्यों मार डालेगी? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? व्हाट हैपेंड? रिया, रिया? लेकिन रिया तो पागल हो गई थी। हाँ हाँ, उसके बाद वो कहीं गायब हो गई थी। नहीं चाहते, वो गायब नहीं हुई थी। गायब नहीं हुई थी मतलब? ठीक से बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। तुम्हें याद होगा जतिन, रिया एक बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थी, उसके लाखों करोड़ों फैंस थे, सब उसे अपनी मूवी में लीड लेना चाहते थे, मेन हीरोइन बनाना चाहते थे। एक फिल्म थी जो हम दोनों ने साइन की थी, वो उसमें मेन हीरोइन थी और मैं उसमें सपोर्टिंग लीड। हमारे साथ निखिल ने भी किसी साइड हीरो का काम किया था। मैं घंटों घंटों तक एक कोने में खड़े होके उसके फेम, उसकी शोहरत को बढ़ते हुए देखती थी। फिर एक दिन सारी यूनिट के सामने तुमने उसे प्रपोज किया। क्या आप मेरी जिंदगी की वाट लगाना चाहें? मेरा मतलब है मुझसे शादी करना चाहें? Yes. रिया हमेशा से मेन लीड थी, जिसे सब चाहते थे, सब पसंद करते थे, और मैं मेन का सेकंड लीड, जिसका कोई फैन नहीं था,
जो फेमस नहीं थी पर मुझे हर हाल में शोहरत हासिल करनी थी, रिया की जगह लेनी थी, मुझे मेन लीड बनना था। तब मैंने और निखिल ने एक प्लान बनाया, रिया को दुनिया के सामने पागल साबित करने का प्लान। पागल होने की वजह से उसे अपनी फिल्मों से निकाल दिया गया, कई बार उसे सेट से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया और धीरे धीरे उसका सारा फेम, उसकी शोहरत खत्म होने लगी। इस बात का मुझे बहुत फायदा हुआ, उसकी सारी फिल्में, उसके सारे रोल्स मुझे मिल गए। वेलकम टू माय फिल्म मेनका। थैंक यू सर, पर ये अभी भी हमारे लिए खतरा थी और अब बारी थी हमारे प्लान के आखिरी पड़ाव की, रिया को खत्म करने की। कोई है? हेलो, इज एनीबॉडी देयर? मेनका? हाय रिया। हाय मेनका, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तो घबराई गई थी। मेनका, तुमने मुझे यहाँ इस सुनसान बंगले में क्यों बुलाया है? क्योंकि मैं जानती थी रिया कि अगर मैं तुम्हें यहाँ बुलाऊंगी तो तुम जरूर आओगी। मेनका, तुम तो मेरी ट्रू फ्रेंड हो, तुम बुलाओगी तो मैं कहीं भी आ जाऊंगी। तुमसे एक बात शेयर करनी थी, वो मेरे साथ आजकल कोई अजीब अजीब खेल खेल रहा है, कोई मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम जानती हो मेनका सब में किसका हाथ है? यू हैव एनी आइडिया? हाँ जानती हूँ ना मेनका, तुम सच में जानती हो मेनका? बताओ मुझे कौन है? आई विल किल दैट पर्सन जिसने ये साजिश की है मेरे साथ, बताओ मुझे मेनका। बताती हूँ, रिलैक्स। लेकिन ये साबित करने के लिए कि तुम पागल नहीं हो तो हम दोनों को अपने टैलेंट को प्रूव करना होगा, मंजूर है? मेनका, तुम टैलेंट की बात कर रहे हो? तुम्हारी और मेरी बराबरी? मेनका, मैं हमेशा तुमसे बेहतर एक्ट्रेस थी, हूं और रहूंगी। फाइन, सीसीटीवी कैमरास यहां पे लगी हुई हैं, प्रूफ करें कौन बेहतर है। एक सीन करते हैं, जिसने सबसे बेहतर परफॉर्म किया वो जीता। मंजूर। तो सीन ये है कि हम दोनों निखिल से प्यार करती हैं और हम दोनों ही अपनी अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार हैं उसके लिए। ओके, तो सीन शुरू कर। फाइन आउट। निखिल, तुम मेरा प्यार ही नहीं, मेरी जिंदगी हो। तुम्हारा प्यार ही मेरी जीने की वजह है। आज मैं सबके सामने अपने प्यार की और अपनी जिंदगी की कुर्बानी देती हूँ। बस तुम खुश रहो निखिल, बस तुम खुश रहो। आई लव यू। वेल डन मेनका, वेरी वेल डन। अब तुम्हारी बारी, ध्यान से देख लो, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास। दिस इज योर वन एंड ओनली चांस। पागल नहीं हो ना, देन प्रूव इट। निखिल, तुम मेरा प्यार ही नहीं, मेरी जिंदगी भी हो, मेरे जीने की वजह हो तुम। आज मैं यहाँ सबके सामने अपने प्यार और अपनी जान की कुर्बानी देती हूँ। आई लव यू, आई लव यू। धोखा, तुमने धोखा किया मेरे साथ, धोखा किया।
यही तो तुमसे बोलना था रिया। अब तक तुम्हारे साथ जो होता आ रहा है वो धोखा ही तो है। और पता है तुम्हारे साथ ये धोखा कर कौन रहा था? हम। निखिल। गुड बाय रिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ये सब कर सकती हो। एक मेन लीड एक्टर, एक स्टार बनने के लिए तुमने किसी की जान ले ली। सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो जाते। मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो सही नहीं था, गलत था। But please, अब मुझे बचाओ, please save me, please. Just calm down, मेनका, just calm down. तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना सब सुनके मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। Anyways, जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये बड़ी बात है। हम कुछ भी कर ले, रिया वापस नहीं आ सकती। पर वो वापस आ गई है जतिन, वो वापस आ गई और वो मुझे मार डालेगी। मैं गई थी वहां, मैं वही गई थी उसकी लाश जलाने जहां मैंने और निखिल से गाड़ा था। वो गायब थी वहां से। गायब थी? ये क्या कह रही हो तुम? Are you out of your mind? ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है, प्लीज मुझ पर यकीन करो। मुझे लगता है कि कोई तुम्हारे साथ जोक कर रहा है, कोई प्रैंक खेल रहा है, कोई मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई तुम्हारे साथ वही करना चाहता हो जो तुमने रिया के साथ किया? तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारा फेम, तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीनना चाहता हूँ। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हमें उसे रोकना होगा। एक काम करते हैं, जहां पे तुमने रिया को दफनाया था वहीं चलो। मैं भी तो देखूं कि ऐसा कौन करना चाहता है। जतिन, जतिन प्लीज मेरी बात सुनो यार, प्लीज। कम ऑन यार, जस्ट गेट आउट, कुछ नहीं होगा यहाँ, कम ऑन। नहीं घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। कौन है यहाँ पे? कौन है जो मेनका को परेशान कर रहा है? बाहर आओ। जतिन प्लीज मेरी बात, ये जगह हॉन्टेड है, वो रिया ही है जो बदला लेने वापस आई है, प्लीज वापस चलते हैं। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, रिया वापस नहीं आ सकती, वो मर चुकी है। और प्लीज यार, हॉन्टेड क्या होता है? जस्ट रिलैक्स। कौन है? कौन है? बाहर निकल, मैं कहता हूं बाहर आओ। ये नहीं हो सकता। हो नहीं सकता, पर हो गया। रिया, मेरी क्या गलती है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं बताऊं तुमने क्या किया उस दिन जब तुम यहां आए थे। मैंने मेनका को तुम्हें मारते हुए देख लिया था। मेनका से बहुत प्यार करता हूँ।
मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मौत के इल्जाम में मेनका को कोई सजा हो जाए। मैं इस सबूत को मिटाने जा रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब पता चला तूने क्या किया था। I'm sorry रिया, मुझे माफ कर दो प्लीज। जब सारी दुनिया ने मुझे पागल समझा तब तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। माफ और तुझे कभी नहीं। Enjoy more horror TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.